बॉलीवुड और टेलीविजन एक्ट्रेस गौहर खान इन दोनों खूब सुर्खियों में हैं और वजह है उनकी पर्सनल लाइफ। जी हाँ, वो तब भी खबरों में थी जब वो कुशाल टंडन को डेट कर रही थी और तब भी जब उनका ब्रेकअप हुआ था। वैसे गौहर खान अपने एक्टिंग और काम से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ही सुर्खियों में रहती हैं। और अब एक बार फिर गौहर खान खबरों में हैं और इस बार भी वजह है उनकी पर्सनल लाइफ। दरअसल खबर है कि गौहर अब सिंगल नहीं है। जी हाँ, उनकी लाइफ में एक नए शख्स की एंट्री हुई है और उसका नाम है रुपिन पाहवा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली बेस्ड सिंगर रुपिन और गौहर पिछले 3 महीने से रिलेशनशिप में हैं। खबर है कि गौहर और रुपिन की पहली मुलाकात मुंबई में एक इवेंट के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। आपको बता दें कि रुपिन 2013 में फिनलैंड में हुई कैरियोके वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाल ही में मुंबई में हुए कॉन्सर्ट में भी गौहर और रुपिन को साथ देखा गया था। फिलहाल गौहर मुंबई में अपने पेंट हाउस में शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने अपने इस नए घर में परिवार वालों और कुछ खास दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी, जिसमें उनके नए बॉयफ्रेंड रुपिन पाहवा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इससे पहले कुशाल टंडन और गौहर खान का अफेयर कई दिनों तक चलता रहा। बिग बॉस 7 के दौरान दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ था। बाद में कुशाल ने खुद अक्टूबर 2014 में ब्रेकअप की बात बताई थी। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा था कि दोस्तों, अब गौहर और कुशाल के बीच कुछ भी नहीं है, माफ कीजिए मैं खबर ब्रेक कर रहा हूँ, गौहर और मैं अब एक साथ नहीं हैं।